बच्चों का बेहद पसंदीदा स्नैक्स कुरकुरा सा टेस्टी सा आज बन रहा है मसाला किचन के अंदर, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से। बच्चों के लिए हम अक्सर बहुत सारे स्नैक्स बना के रखते हैं जिससे वो बच्चे पढ़ते रहें, कभी ना कभी उन्हें खाने का मन हो तो वो खा सकें। आज का स्नैक्स बनेगा भी बहुत ही आसानी से और काफ़ी दिनों तक कुरकुरा रहेगा। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। आज के कुरकुरे बनेंगे बहुत ही टेस्टी। तो टेस्टी तो बनते ही हैं, लेकिन ये कुरकुरे आपके लंबे टाइम तक क्रिस्पी रहेंगे। बात यही खास है क्योंकि ये चावल के आटे से बनाएंगे, बहुत ही दिन तक आपके क्रिस्पी रहेंगे। इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। मैं इन कुरकुरों को फ्राई तो करूंगी ही सही, पर कुछ और भी करूंगी कि बिना ऑयल से भी हम इसको खा सकें। चलिए अब बनाते हैं पहले कुरकुरे का आटा। यहाँ लिया मैंने एक बाउल और एक कप भर के मैंने ले लिया चावल का आटा। इसे हम छान लेते हैं। चावल का आटा घर में भी आराम से बन जाता है, आपको तो पता है मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बना कर दी हैं और मार्केट से भी आपको इजीली मिल जाएगा। ये देखिए 1/4 कप मैं डाल रही हूँ बेसन, मतलब 4 टेबलस्पून। इससे कलर बहुत ही प्यारा आएगा। ये ग्लूटेन फ्री भी है तो बहुत ही अच्छा है। इन सबको हम छान लेते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच मैदा। अगर टोटल ग्लूटेन फ्री चाहिए तब ना डालिए, लेकिन वैसे आप 1 चम्मच मैदा डालेंगे ना तो इसका रिजल्ट आपको बेहद अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने कई बार इस रेसिपी को ट्राई किया है, मुझे ये रेसिपी बहुत पसंद आई है पूरे घर को, इसीलिए मैं ये आपको ट्रिक दे रही हूँ। यहाँ 1 पिंच, बिल्कुल छोटा सा पिंच जो होता है मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। ये थोड़े अलग तरीके से बनेंगे लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसमें हमें कोई मोयन वगैरह नहीं डालना है। यहाँ देखिए एक पैन रख दिया है मैंने, कढ़ाई पैन कुछ भी रख सकते हैं। उसमें 1 कप भर के आप डाल दीजिए पानी, 1 चम्मच आप डाल दीजिए ऑयल, थोड़ा सा डाल दीजिए नमक। ये पानी जैसे ही उबलना शुरू हो गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिए और ये पूरा मिश्रण जो आटा था चावल का बेसन का वो सब इसमें मिक्स कर दीजिए। ये देखिए बिल्कुल करेक्ट रेशो है, आप 1 कप से पानी बिल्कुल भी ज़्यादा ना डालें और धीरे धीरे इसे मिक्स करते जाइए। पानी बहुत ज़्यादा खौलने ना लगे, बस अच्छा सा गर्म हो जाए और ये आटा आप डाल दीजिए। ये देखिए मैं किस तरीके से इसे गूंद रही हूँ दबा दबा कर, ये खास ट्रिक है इसकी। मसाला स्पेशल ये कुरकुरे आप बच्चों के लिए बनाएंगे या नहीं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब गैस को बंद कर दीजिए। इस कढ़ाई में से जो भी सारा मिश्रण है उसे एक उसी बाउल में डालकर आप ढक दीजिए। कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसे स्टीम लगने दीजिए। 10 मिनट बाद आप उसे निकाल कर इसे हाथों से रब कीजिए इसी तरीके से। पहले ज़रूर लगेगा कि इसमें पानी कम ना लगे, लेकिन बिल्कुल भी कम नहीं लगेगा, ये बिल्कुल करेक्ट रेशो है। और फिर भी अगर आपको लगता है तो 1/2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, लेकिन पानी डालेंगे तो गर्म ही डालें। अब इसमें ज़रा सा ऑयल लगाकर इसे प्लेन कर दीजिए। इस तरीके से आपको अच्छे से मलना है कि बिल्कुल सॉफ्ट सा डो हो जाए, बिल्कुल प्लेन, कहीं भी क्रैक्स नहीं है इसमें। ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा निकालिए, बाकी ढक के रखिए जिससे जो बचा हुआ डो है वो सूख ना जाए। इस लोई को बेलने के लिए थोड़ा सा चावल के आटे की मदद लेकर इसे इस तरीके से बेलते जाइए। अब देखिए बेलने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, जहां आपको लगे वहां आप थोड़ा सा चावल का आटा ले सकते हैं। इसे पतला बेलना है हमें, मोटा नहीं बेलना है, पतला बेलना है। आराम से बेल रहा है बिल्कुल, वो डो बहुत ही परफेक्ट बना है। अब इसे बेलने के बाद इस पर प्रिक कीजिए फोक से, जिससे बहुत ज़्यादा फूले ना। कोई कोई फूलेगी भी, लेकिन बहुत ज़्यादा फूलने से फिर वो रखने के बाद आपकी सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखिए अब इसे एक शेप देना है, तो मैं बच्चों की जो स्टील वाली स्केल होती है उससे कट कर रही हूँ। इसे चौकोर बना लीजिए और छोटे छोटे चौकोर पीस कर दीजिए, जैसे टकाटक होते हैं ना, बच्चे बहुत खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। अब इसे इस तरीके से चौकोर शेप दीजिए, तिकोना शेप दीजिए, जो आपका मन करे। हाँ,
तो इसमें जो खास बात है ना कुरकुरे में, अगर हमारे पास अवन हो या एयर फ्रायर हो तो हम उनमें भी बना सकते हैं, और फ्राई करने के लिए तो सभी बना सकते हैं। तो ये आप देखिएगा किस तरीके से बनते हैं, उसमें क्या चेंज करना है मेरे को। तो अभी पहले हम कट करके अलग करते जा रहे हैं। आप लोगों में से किसने मेरी चीज़ लिंक्स वाली रेसिपी ट्राई की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरीके से सारे बेलते हुए हम कट करते जाएंगे। इसी से मिलते जुलते मैंने आपको चीज़ लिंक्स भी दिए हैं, उसमें पर काफ़ी सारा चीज़ डालना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल हैं, तब भी इतने क्रिस्पी बनते हैं। जब भी आपको नीचे चिपकने का डर हो थोड़ा सा चावल का आटा लगाते जाइए। तो देखिए जो हमें डीप फ्राई करने हैं उन्हें तो हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे, लेकिन कुछ जिन्हें मैंने डीप फ्राई नहीं करना है उन्हें मैं थोड़ी देर सुखाने के लिए रख देती हूँ। अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। तो अब इनको हम फ्राई करने से पहले एक मसाला तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही ये फ्राई होंगे ना हम इनके ऊपर एक मसाला डालते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मेरे पास है टमाटर का पाउडर, आपके पास हो तो ज़रूर डालिए, लाल रंग बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ पेरी पेरी मसाला, थोड़ा सा मैगी मसाला, आपके पास जो भी हो डाल सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो भी आपको पसंद हो, पुदीना पाउडर डाल सकते हैं, जो हो वो डालिए, तो काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं सारे मसालों को मिक्स कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखी है जिसमें ऑयल रखा है गरम करने के लिए, मीडियम हॉट हो जाए तब आप ये डाल दीजिए, और एकदम से चलाइए नहीं, जैसे ही ये तलकर ऊपर आ जाए तब आप इन्हें मिक्स करना शुरू करें, ऊपर नीचे चलाते रहें। बहुत ही बढ़िया पतली पतली पापड़ी जैसी लग रही है, जैसे बेसन की पापड़ी होती है ना, बिना मशीन के समझिए हम इसे बना रहे हैं। बच्चे तो इतना पसंद कर रहे हैं, मैं बना रही हूँ ऐसे ख़त्म हो जा रहे हैं, पूछिए मत। चावल के हैं तो अच्छे भी हैं, क्रिस्पी बहुत बनते हैं। और इसमें जो दो सीक्रेट चीज़ें मैंने डाली हैं ना, बेसन और मैदा, उसे डालना बिल्कुल भी ना भूलिए। रिजल्ट देख के आप भी खुश हो जाएंगे। जब आपको लगे ये क्रिस्पी हो गई हैं, उठाने में आवाज़ आने लगे, तो बस फिर हम इन्हें निकालते जाएंगे। और ख़ास तरीके का इसका मसाला बनाया है, आपको जो पसंद आए उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने फ्राई कर लिए हैं और एक स्टील के डब्बे में डाल दिए हैं। ये मिक्स किया हुआ मसाला मैं डालकर इसे कवर करके इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ, जिससे गरम गरम ही इसमें सारा मसाला कोट हो जाए। ये देखिए आवाज़ सुन रहे हैं आप, कितनी अच्छी आवाज़ है। इसे हम निकालते जा रहे हैं। इसी तरीके से हम दूसरी भी फ्राई कर लेते हैं। उसे भी मैंने क्रिस्प कर लिए हैं और निकाल लिए हैं। इसी तरीके से बॉक्स में डालते जाइए और मसाले के साथ कोट करते जाइए। इस तरीके से सारे के सारे कुरकुरे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें आप टकाटक कहिए, ये देखिए आवाज़ सुनिए, बहुत ही मज़ा आता है। इसे आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और ठंडे करने के बाद एक जार में भर कर रखिए। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं, देखते ही बहुत अच्छा लगता है। अब कुरकुरे को हम बेक करने चलते हैं। मैंने थोड़े पहले ही बेल के रख लिए थे अलग से आटा बनाकर, और उसे मैंने एक घंटे के लिए हवा में रख दिया था। हवा में हमें इसलिए रखना होता है जिससे थोड़े वो ड्राई हो जाएं। 180 डिग्री पर मैंने अवन को प्रीहीट किया है, और उसमें हम एक ट्रे में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ये डाल देते हैं। आप एयर फ्रायर में भी इसी तरीके से बना सकते हैं, माइक्रो के कन्वेक्शन में भी बना सकते हैं। ये देखिए मैं इसे बेक कर रही हूँ, करीब 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे बेक कर रहे हैं 180 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में। उससे होगा क्या, एक बार आप बीच में चेक करिएगा, उसे थोड़ा हाथ से चला के देख लीजिएगा, और फिर ये इस तरीके से क्रिस्पी हो जाएंगे। जब आप ऊपर से गिराएं आवाज़ आने लगे, मतलब ये क्रिस्पी हो चुके हैं। अब ये थोड़े ड्राई ड्राई लग रहे हैं क्योंकि ऑयल की एक भी बूंद नहीं है। अब मैंने एक चम्मच ऑयल को गरम कर दिया, डब्बे में डालकर इसे इसी तरीके से शेक किया। लीजिए तैयार हो गए ये आपके बिना फ्राई किए हुए कुरकुरे, है ना बहुत ही अमेजिंग सी बात।
वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।